नाउ मैं आपको जीपीपी और एनपीपी को कैलकुलेट करने का तरीका सिखाऊंगा कि आपको जीपीपी या एनपीपी किसी गिवन सिस्टम का करना है तो दो तरीके से आप बात कर सकते हो, क्योंकि असल में आप बात क्या कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऑक्सीजन इवोल्यूशन करवा लो या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करवा लो। ना ये चेक करने के लिए कि आपका जीपीपी एनपीपी कितना है, हम गए एक पॉन्ड के पास गए या दो तीन प्लांट बॉडीज के पास गए। प्लांट प्लांट बॉडीज से हमने वो वाटर निकाला जिसके अंदर कुछ फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ रहे होंगे। उस पॉन्ड को सबसे पहले हमने उसका ऑक्सीजन टेंशन उसका कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की जगह सही शब्द होगा ऑक्सीजन टेंशन, और ज़्यादा अच्छा शब्द लेना है तो आप कहो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देर इज नथिंग लाइक ऑक्सीजन एक्चुअली कंसंट्रेशन। सो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड या सम केमिकल कैलकुलेशन असल में कंसंट्रेशन निकाल के देती है, और वो देखा जाए तो असल में डिजॉल्व ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा। ये जो वैल्यू हो इसको हमने बोला आई, आई फॉर इनिशियल। नाउ हमने दो बोतल इस पानी के दो हिस्से कर लिए, बॉटल ए और बॉटल बी। बॉटल ए को हमने 6 घंटे के लिए एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रैप करके रख दिया और इसको हमने बोला डी बॉटल, डार्क। और दूसरी बॉटल को 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा और इसका जो भी वैल्यू आने वाला है ऑक्सीजन टेंशन का उसको हमने बोला एल। तो डी डी इज द डार्क बॉटल का ऑक्सीजन टेंशन 6 घंटे के बाद, एल लाइट वाली बॉटल का ऑक्सीजन टेंशन 6 घंटे के बाद। कॉमन सेंस यहां पर लगाएंगे कि जो डार्क बॉटल होगी वहां पर किसी भी प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन चल रहा है, और जो लाइट बॉटल है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चल रहा है। अब हमने क्या किया, ग्राफ लिया, हमने आई का ये वैल्यू यहां पर ड्रॉ कर लिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। जो एल बॉटल होगी वो यहां पर रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन बढ़ गई है बिकॉज फोटोसिंथेसिस गोइंग ऑन, और जो डी बॉटल होगी उसमें ऑक्सीजन घट गई है, जो भी डिजर्व ऑक्सीजन होगी वो कम हो गई होगी। तो ये आई माइनस डी, आई से कितना नीचे चला गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए को, रेस्पिरेशन बाय द ऑटोट्रॉफ। और आई से एल जो बढ़ गया है वो असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनपीपी को, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि रेस्पिरेशन के बाद जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई या ऑक्सीजन बढ़ गई उसको आपने बोला एनपीपी। फॉर्मूले को आप चाहें तो सीधा लगा सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज आई माइनस डी, एनपीपी इज द एल माइनस आई। और जीपीपी को अभी भी मैंने आपको बताया था कि एनपीपी प्लस आरए होता है, और इन दोनों वैल्यूज को यहां पर रखकर जोड़ दिया तो जीपीपी आएगा आपका एक्चुअली द ऑक्सीजन टेंशन इन द लाइट बॉटल माइनस ऑक्सीजन टेंशन इन द डार्क बॉटल। ये आपका जीपीपी का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, जीपीपी इज इक्वल टू एल माइनस डी। क्यों, क्योंकि जीपीपी को हमने कैसे लिखा था, इट इज एनपीपी प्लस आरए, और आरए को हमने लिखा है इट इज आई माइनस डी, और एनपीपी को हमने लिखा है एल माइनस आई, कुछ ऐसा। फिर हमने कहा नहीं, आप तो ऐसा करो CO2 के लेवल के आधार पर इस सारी की सारी कहानी को एनालाइज करो, और CO2 के लेवल पे आधार पर अगर आपको एनपीपी और जीपीपी निकालना है तो कैसे निकालोगे। हमने एक्सपेरिमेंट किया, वापस से हमने एक प्लांट लिया और इस प्लांट को इस प्रकार से एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया, इसका ऊपर वाला हिस्सा, और इस एयर टाइट चैम्बर में C14 कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्यूबेशन करवा दिया। कितने, और ऐसा हमने कई दिनों तक रखा जितना मैक्सिमम अमाउंट फिक्स हो सकता था। नाउ अगेन विल बी एडिंग द सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी वक्त पर हमने चेक कर ली, चेक द वैल्यू ऑफ CO2 जो कि C14 लेवल थी, जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने बोला आई, द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द C14 कार्बन डाइऑक्साइड इन द चैम्बर उसको हमने बोल दिया आई। अब वापस से एक्सपेरिमेंट शुरू किया, वही हमने 8 से 10 घंटे एक तरह के प्लांट को हमने डार्क में रखा, या इसी प्लांट को डार्क में रखा, और इसी प्लांट को उसके बाद वाले 8 से 10 घंटे लाइट में रखा। कंडीशन यहां पर याद रखनी है, दिस मस्ट बी वेल वाटर्ड, पानी पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, अच्छी मात्रा में होना चाहिए। डार्क में जब रखा तो डार्क में 8 से 10 घंटे रखने के बाद हमने एक बार फिर C14 के लेवल को चेक किया, C14 वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चेक किया। इसी प्रकार से लाइट में रखने के बाद भी हमने C14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चेक किया। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि ये वाला जो सिस्टम होगा इसमें जो भी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी थी C14 लेवल की कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करेगी, C14 के लेवल को बढ़वा देगी, क्योंकि मैंने कई दिनों तक पहले रखा था, है ना, वहां C14 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो चुकी है।
यहां वाले केस में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहां मेजर की थी उसमें से क्या हो जाएगी, कम। अब जरा चीजों को देखते हैं, डार्क वाले में तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, और लाइट वाले में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड घट गई। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कस कर रहा हूं, और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैं आपसे ऑक्सीजन लेवल डिस्कस कर रहा था। डार्क वाले में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गई, तो आपका आंसर होगा कि भाई रेस्पिरेशन चला होगा, तो जो भी फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एक्चुअली, जो भी फिक्स्ड C14 कार्बन था वो एक्चुअली C14 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ गई। फिर मैंने कहा यहाँ लाइट वाले में कम क्यों गई, कि आपने जो भी चीजें सराउंडिंग में दे रखी थी कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्चुअली प्लांट में जाकर फिक्स होना शुरू हो गई, ऐसा ही कुछ हुआ, और इस फिक्सेशन की वजह से ही मामला कम हो गया। मैंने कहा जी फिर फार्मूला लगाते हैं, आई माइनस एल इनिशियल माइनस लाइट वाला, यानी कि बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर लाइट दे रखी है और आपने उस दौरान में जो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो कार्बन फिक्स हो गया वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनपीपी को। आरए यानी कि रेस्पिरेशन कितना चला, कि डार्क में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ गई और शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, ये आपका रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब कभी भी मैं आपसे जीपीपी के बारे में कहूंगा तो फार्मूला फिर लगाऊंगा कि दिस इज द एनपीपी प्लस आरए, और इससे जब फार्मूला फाइनली आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी द डी माइनस एल। प्लीज ध्यान रहेगा ये डी माइनस एल कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस में है और एल माइनस डी ऑक्सीजन के सेंस में था, ठीक है। आगे जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे अगले वीडियो में वो एफिशिएंसीज वगैरह के फार्मूले, बेसिक फार्मूले और कुछ और बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक जो वीडियो देखा है वो एक डेमो वीडियो था जो हमारे आई गुरु जी एप्लीकेशन की वर्किंग के बारे में एक्चुअली हम बता रहे थे कि एग्जैक्टली ये वीडियो किस तरह से काम करते हैं। हमारा सिर्फ इतना सा पर्पज था, टॉपिक को पूरा करना हमारा पर्पज नहीं था। अगर आप इन और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो अगर आपको यहाँ गूगल आपके यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके आई गुरु जी एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखिए, नॉर्मल जो नॉर्मल आप आई गुरु जी लिखते हैं, और आई गुरु जी फॉर नेट लाइफ साइंस इस प्रकार से लिख के आप आई गुरु जी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से हमारे अलग अलग तरह के जो वीडियो कोर्सेज हैं उनके बारे में जानें, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चलती है जो विद डिस्कशन होता है विद वीडियो डिस्कशन उसके बारे में जान लें, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं हमारे यहाँ, अगर हम अगर इस प्रकार से कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आपने वीडियो कोर्स ज्वाइन किया है तो ये सभी वीडियो सपोर्ट नोट्स द्वारा हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो आपके मोबाइल में रहेगा और सपोर्ट नोट्स की हार्ड कॉपीज आपको कुरियर द्वारा पहुंचाई जाएगी। ये जो सपोर्ट नोट्स का तरीका है ये बेसिकली आपके टाइम और एनर्जी को बचाने का एक तरीका है कि आप जो भी स्क्रीन में देख रहे हैं वो आपके पास प्रिंट के रूप में ऑलरेडी हो तो आपका सारा का सारा समय बच जाता है। थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम लोग फ्री में कुछ भी प्रोवाइड करने वाली चीज़ नहीं है, वी आर चार्जिंग फॉर एवरीथिंग, और हमसे इस किसी प्रकार की फ्री आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन एक प्रॉमिस हम आपसे कर सकते हैं कि जो आप हमें पे कर रहे हैं उसके लिए दी बेस्ट सर्विसेज हम आपको देंगे, जहां आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट नोट्स के बारे में जान लें, सपोर्ट नोट्स होते क्या हैं, कि जो भी प्रिंट आपके सामने वीडियो के रूप में सामने चल रहा था वो आप जो भी स्क्रीन चल रही थी वो आपके सामने प्रिंट के रूप में होती है, ठीक है। उसके अलावा जब कभी भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको अपने जो भी कोर्सेज देखने हैं, सपोज आप वीडियो कोर्स या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं या कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो रेस्पेक्टिव चीज़ों पे क्लिक कीजिए। वहाँ सपोज आपने वीडियो कोर्स पे क्लिक किया, वहाँ जो भी कोर्सेज हमारे पास उस वक्त उपलब्ध होंगे वो सारा आपके पास सेक्शन खुल जाएगा। सपोज आपको नेट लाइफ साइंस देखना है तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यूजुअली पहले नंबर की जो सीरीज़ होती है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वीडियो सीरीज, वो फ्री होती है, जहाँ स्टार्ट पर क्लिक करते ही आप उसमें सब्सक्राइब हो जाते हैं और आपके सामने अलग अलग फोल्डर खुल जाते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास नंबर चल रहा है मेरा नीचे की तरफ, उसे आप देख लीजिए और मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।